हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो सबको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। कल आप लोग का एग्जाम है, बहुत ही जबरदस्त जाएगा ये हमें पता है, यकीन है आप पे, भरोसा है आपकी मेहनत पे। बस हमें कुछ बातों का लास्ट टाइम पे ध्यान रखना है, जैसे कि हमें कितना सेफ स्कूल लेके चलना है, यानी कि हमें कितना अटेम्प्ट करना है। ये बहुत जरूरी है, तो आपको पहले डिसाइड करना कितना करना है। अदरवाइज जब आप इस मूड से जाते हो कि जितना होगा उतना कर लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं टारगेट को न पाना चाहते हो, बस आप सिर्फ मतलब फॉर्म भर दिए तो एग्जाम देना चाहते हो और सोच रहे हो कि बस एग्जाम देने से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको एक टारगेट सेट करना होता कि अपने को इतना करना ही है। तो आप मैथ जो है आपका साइंस ग्रुप की, पहले मैं बात करूं तो जिसमें मैथ टेक्निकल आता है 25 क्वेश्चन, आप टारगेट रखना 20 क्वेश्चन का। 20 से कम कोशिश मत करना, 20 से ज्यादा अगर पेपर इजी आएगा तो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए भी आपको आगे पीछे नहीं भागना, यानी कि बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना है। आप 20 क्वेश्चन का टारगेट रखना, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन टफ आते हैं जिनको आप छोड़ देना, और उनको जब आप छोड़ दोगे तभी आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप टफ क्वेश्चन की तरफ भागना स्टार्ट करोगे तो 15-16 क्वेश्चन में आपका हालत खराब हो जाएगी। अब 20 क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स में भी कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन और इंग्लिश में कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन करने की। अब ये बात बहुत ही अवार्ड आपको लगेगी अजीब कि सर 20-20 क्वेश्चन करना आसान नहीं फिजिक्स मैथ से। मेरे कहने का मतलब ये कि जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, अगर आप 20 टारगेट करोगे तो कुछ नहीं, तो 15-16 तक पहुंचोगे। लेकिन जो आपका स्ट्रांग है, कम से कम उसको 20 को क्रॉस करेंगे। तो ऑन एवरेज सबको 20 जब आप टारगेट करेंगे मैथ और फिजिक्स को, तब जाके आप सक्सेसफुल एक नंबर पाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे सिलेक्शन पाने में। और इंग्लिश में कोशिश करेंगे 15 से नीचे न जाए, क्योंकि इंग्लिश में 15 नंबर पाना बहुत ही आराम की बात होती है एयरफोर्स के एग्जाम में। तो ओवरऑल आपको क्या टारगेट करना है, टेक्निकल मैथ में 20 क्वेश्चन, टेक्निकल फिजिक्स में 20 क्वेश्चन और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन। ये रहेगा आपके सामने टारगेट जो आपको अचीव करना है। साथ ही साथ अगर मैं अदर देन साइंस यानी वाई ग्रुप की बात करें, तो बेटा आपको कोशिश करना इंग्लिश में 18 कोशिश करेंगे। 18 से नीचे जाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वाई ग्रुप में कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम होती है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे 18 नंबर इंग्लिश में लाएं। और साथ ही साथ रागा में तो 22-23 तो कहीं नहीं गया ना, इतना तो आप टारगेट करेंगे। क्योंकि जब आप मान लीजिए 20 या 22 क्वेश्चन का ही कर लेते कि हम इतना ही करके आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करना है, तो जीके जीएस कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। आपको आप सही लगा के आते तो भी, क्योंकि एग्जैक्ट मैच कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजनिंग में कुल जैसे सीटिंग अरेंजमेंट कैलेंडर वगैरह का भी आ जाता है, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप 30 नंबर में से कोशिश करेंगे कि भैया 22 नीचे तो जाए ना, और टारगेट रखेंगे 25 क्वेश्चन का। तो रागा में आपको करना है 25 क्वेश्चन का टारगेट और इंग्लिश में करना है 18 क्वेश्चन। याद रखेंगे साइंस ग्रुप वाले फिर भी 15 क्वेश्चन पे काम चल जाएगा उनका इंग्लिश में, लेकिन अदर देन साइंस में नहीं काम चलेगा। तो अदर देन साइंस का बता दिया मैंने, इंग्लिश का टारगेट करेंगे 18 क्वेश्चन का और रागा का टारगेट करेंगे 25 क्वेश्चन का, ताकि 22-23 तक आ जाए। और साइंस ग्रुप का बता दिया मैंने आपको, मैथ में टारगेट करेंगे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का और इंग्लिश में 15+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो ये रहेगा कल की आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी। अब जैसे एनालिसिस स्टार्ट होगा, देखेंगे, बच्चों से बात करेंगे, जैसा पेपर होगा फिर आपको हम बताएंगे अगली स्ट्रेटेजी आपकी सेकेंड शिफ्ट से क्या हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के बाद एनालिसिस का जरूर एक बार देखेंगे वीडियो। एनालिसिस में आपको आइडिया लगेगा कि हमें सेकंड शिफ्ट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, काफी हेल्प आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहेंगे एग्जाम को डिफेंस वॉरियर से, मिलते हम लोग। आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।